हाय गाइस, वेलकम टू ललित बाल ट्रेवल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए मनाली की न्यू अपडेट लेकर। गाइस, इस वीडियो में हम रोहतांग पास के करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे और मनाली ले हाईवे की करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे। गाइस, रोहतांग पास अभी ओपन नहीं हुआ है। आज है 27/5/2023 और अभी टूरिस्ट के लिए रोहतांग पास ओपन नहीं हुआ है। रोहतांग पास जल्दी ही ओपन होने वाला है। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, ये नज़ारे हैं रोहतांग पास मणि के। रोहतांग पास से 15-16 किलोमीटर आगे मणि पड़ता है, तो मणि तक अभी टूरिस्ट जा सकते हैं और मणि ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए। तो गाइस, अभी अगर आप स्नो में एंजॉय करना चाहते हैं, स्नो में खेलना चाहते हैं रोहतांग पास पर, तो कुलाबा होते हुए आप मणि तक जा सकते हैं। मणि पर अभी काफ़ी सारे टूरिस्ट स्नो को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वहां पर आप ATV राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अभी मणि पर चल रही हैं। तो अगर आप अभी रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं तो रोहतांग पास के लिए आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा। रोहतांग पास लगभग 1 जून या 2 जून के लगभग ओपन हो जाएगा टूरिस्ट के लिए, सब सारे ही टूरिस्ट के लिए। तो अभी ये नज़ारे हैं मणि के। मणि पर अभी काफ़ी सारी बर्फ़ है और काफ़ी सारे टूरिस्ट मणि पर स्नो को एंजॉय कर रहे हैं। गाइज, अगर आप भी मनाली में हैं या मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं और रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कैब ऑपरेटर सोनू रॉय विजय का नंबर दे रखा है। आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर अपनी कैब बुक कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं रोहतांग पास को और मणि को। गाइस, अगर आप इसके अलावा लेह लद्दाख जाना चाहते हैं और लेह लद्दाख को विजिट करना चाहते हैं, लेह को विजिट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मनाली टू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है, नहीं खुला है, क्या कंडीशन है, कितनी बर्फ है, वो सारी ही मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये हैं नज़ारे मणि के। मणि पर काफ़ी सारे टूरिस्ट अभी इन्जॉय कर रहे हैं, स्नो को इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप भी मनाली आना चाहते हैं और मनाली में स्नो को इन्जॉय करना चाहते हैं तो मणि पर आ सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। लेह लद्दाख दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग ओपन हो चुके हैं, NH3 और NH505 दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग ओपन हो चुके हैं। गाइस, लेह लद्दाख अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप मनाली से कैब बुक कर ही निकलें, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है वो पर्सनल गाड़ी हो सकता है, आप रास्ते में कहीं अटक जाएं या आप काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है तो आप पहले से ही अपनी गाड़ी बुक कर निकलें, तो उसमें वो लोग डेली अपडेट आते जाते रहते हैं तो उन्हें रास्ते के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। क्योंकि आप इस समय लेह लद्दाख ओपन हुआ ही है, 25/5/2023 को लेह लद्दाख का 505 नेशनल NH505 ओपन हुआ है। NH3 उससे पहले ओपन हो गया था। NH505 में आप केलांग, जिंगपिंग, सरचू और बारालाचा होते हुए जाते हैं और ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप यहाँ पर फंस भी सकते हैं। तो गाइस, ये है नज़ारा मनाली टू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 505 का, जो कि केलांग, जिंगपिंग, सरचू और बारालाचा होते हुए जाता है। ये नज़ारे हैं कुछ अभी मई के
के नेशनल हाईवे 505 के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के कारण बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। और गाइस अभी सिर्फ 4x4 गाड़ीज़ को अलाउ किया जा रहा है, अगर आप 4x4 गाड़ी है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से मनाली से लेह लद्दाख जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, अगर मौसम ख़राब हुआ तो लेह लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद भी किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी मौसम चेंज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। और जब भी लेह लद्दाख के लिए आप मई जून में निकलें तो हमेशा अपने साथ हाई एल्टीट्यूड प्रिकॉशन लेके चलें, अपने साथ वाटर बोतल लेकर अवश्य चलें, कुछ खाने पीने के लिए अवश्य अपने साथ रखें और गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होने के कारण कभी भी मौसम बदल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, 10 से 20 फुट ऊंची बर्फ़ है। ये नज़ारा है सरचू का, और अभी बारालाचा पास पर तो और भी ज़्यादा बर्फ़ है। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण यहाँ पर रोड स्लिपरी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सुबह 8:30 बजे के बाद ही अलाउ किया जाता है। बाइकर्स के लिए अभी यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउ की जा रही हैं। तो ये है नज़ारा लेह लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग 505 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखाई देने वाले हैं और काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो गाइस अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशन बरतें, और यहाँ पर इस तरह के कुछ कैंप्स भी लगे हुए हैं, अगर आप किसी भी दिक्कत में फंसते हैं तो इन कैंप्स में आप स्टे कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित बाल ट्रेवल चैनल को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के हिमाचल और मनाली से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस में। Thank you very much.